नमस्कार नमस्कार भाई साहब हम खामलिया आए और खामली में हमने माखन सिंह जी से बात करी। जी, उन्होंने हमारे टेक वाहिनी को नासा का नासा उपयोग किया दोनों हुआ दोनों है। उपयोग किया। और आपने ये कब डाला था टेक वाहिनी को नासा गेहूं में? गेहूं में सर बुआई के समय डाला था ये क्या मैंने। अंतर देख रहे हैं? ये समय तो एक ही है आपका, 2 महीने की फसल हो गई जैसा बता रहे सर हैं। अंतर ये है कि देखो ना आप ये इस गेहूं में बहुत कम वो है शाखाएं। कल करीब करीब हाँ 19 है जो हमने गिने थे, 19-20 है और 19 इसमें है, इसमें कम से कम 40 के आसपास है, 40-45-50। 40-45 कल्ले हैं इसमें। हाँ, ये ट्रीटेड है, टेक वाहिनी को नासा का उपयोग किया है। टेक वाहिनी के कारण से यहाँ पर जड़ें ज़्यादा हुई हैं, ऊंचा जिससे ज़्यादा बना है, ऊंचा ज़्यादा बना। इसकी जड़ें भी कम है और छोटी भी है, और इसकी अच्छा। जड़ें भी लंबी है और कूचा भी। आपने बोनी के समय ही डाल दिया था? बोनी के समय ही डाला था सर। बोनी के समय डाल दिया हाँ, था आपने, हाँ। तो करीब करीब 2 महीने इसको फसल को हो दो गए। महीने को हो गए फसल को। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो नासा का जो रिजल्ट दिखता है वो ये है कि ये पत्ती हमने तोड़ी है अभी, जो हमारी ट्रीटेड क्रॉप है त्रिशक्ति काम्बो या ना टेक वाहिनी को नासा की। और ये हमारी दूसरी तरफ जो पत्ती हम देख रहे हैं, ये पत्ती है जहाँ पर हमने सिर्फ यूरिया और DAP डाला है। हम लीफ इंडेक्स एरिया देख सकते हैं यहाँ पर। तो सर इसमें मैंने यूरिया भी बहुत कम डाला, डीएपी भी बहुत कम दिया हर साल से, और अच्छा यूरिया भी अच्छा कम दिया मैंने। लगभग कितना दिया होगा इनकी मतलब अपेक्षा? आपने कितना कम दिया इनकी या इनकी अपेक्षा, इनने एक बोरी डाला तो मैंने 25 किलो यूरिया डाला है, और DAP? और DAP भी मैंने हर साल एक बोरी डालता था मैं, वहाँ 35 किलो 30 किलो के आसपास ही डाला है मैंने। अच्छा, उसमें भी 20 किलो बचाया मैंने DAP। तो आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल फुल संतुष्ट हूँ सर। आपने हमारे सोयाबीन का भी आपने सोयाबीन का बीजोपचार भी, किया था, हाँ उसमें भी आपने देख उसमें भी लिया अच्छी रिजल्ट, फसल मिली थी मुझे, अच्छी फसल मिली है, उसका बेनिफिट है कि आपने गेहूं में भी डाला। जी जी धन्यवाद माखन सिंह जी, आप इससे संतुष्ट हैं? ठीक सर, बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ।